नमस्कार, इंडिसेन के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं doctor.com में। इस वक्त सारा देश जो है जूझ रहा है COVID-19 की त्रासदी से और सबको पड़ी है अपने हेल्थ की, अपने स्वास्थ्य के बारे में। और जहां हम कोरोना की बात करते हैं, हमने देखा है कि जितने भी मौतें हुई हैं कोरोना ग्रसित से, वो कहीं ना कहीं किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित थे। इनमें ही एक जो बीमारी थी वो है अस्थमा या दमा। ऐसे कई लोग पेशेंट पाए गए कि जो एक जो कोरोना से मौत के अधीन हो चुके हैं, उन्हें इस बीमारी से भी वो ग्रसित थे। आज doctor.com में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और जब हम बात करते हैं और एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं, तो वो बात का मजा ही दुगना हो जाता है और ज्ञान भी वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से आज बात करने के लिए हमारे साथ में है शिवशंकर आयुर्वेदा से डॉक्टर अतुल तेलराजे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में मैंने कहा सर अस्थमा, क्या कहेंगे सर अस्थमा? देखिए, अस्थमा ये वर्ड जैसे कि हम देखते हैं कि उसको संस्कृत में श्वास कहते हैं जी, श्वास व्याधि कहते हैं। तो श्वास यानी सांस जी, सांस या फिर ब्रीदिंग जिसे ब्रीदिंग जो या है, फिर आप रेस्पिरेशन कहते हैं, जो अपने जीवन जीने का एक अनिवार्य एक मोमेंट। तो यानी आप पानी के बगैर, खाने के बगैर कुछ टाइम रह लेंगे, लेकिन आप सांस के बगैर या फिर रेस्पिरेशन इस प्रोसेस के बगैर आप रह नहीं सकते जी। रेस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कंटिन्यूसली सांस अंदर जाएगी बाहर आएगी, जैसे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, इनटेक एंड आउटपुट ऑफ एयर, जैसे पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है कि हवा बाहर से नाक के जरिए, थ्रोट के जरिए, फिर आपके ब्रोंकस के जरिए आपके लंग्स में जाएगी, वो इनपुट ऑफ एयर हो गया, बाद में आप सांस छोड़ोगे तो बाहर जाएगी जी। इसे कहा जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं जी। इसके बाद जब हवा लंग्स में जाती है तो लंग्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे अल्वियोलाई बोलते हैं, छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, फूल के गुच्छे, जैसे अंगूर के गुच्छे, अंगूर के गुच्छे जैसे, उनके साथ आपकी बहुत सारी कैपिलरी, छोटी छोटी आर्टरीज अटैच हो जाती है जी। हवा जैसे अंदर जाएगी तो वो गुच्छों के अंदर हवा जमा हो जाती है और आजू बाजू की जो कैपिलरीज है जी, उसमें से एयर एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन वो ले लेंगी ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर दे देंगे, बाहर दे दे, जो कि हम अपनी सांस के साथ बाहर छोड़ बाहर छोड़ रहे हैं। यानी हम रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, हवा अंदर ले रहे हैं यानी ऑक्सीजन ब्लड को दे रहे हैं, हवा बाहर छोड़ रहे हैं यानी ऑक्सीजन बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वो जो जरूरी नहीं है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जी। जो इंटरनल एक्सचेंज ऑफ एयर है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस प्रकार से जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करके टोटल रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब हवा बाहर से अंदर जाना और ब्लड के साथ एक्सचेंज होना जी, यह अति आवश्यक है। हर टाइम आपको ऑक्सीजन मिलता रहेगा, ऑक्सीजन आपके ब्लड के जरिए सारी आपके बॉडी की ऑर्गन्स को मिलता रहेगा, एक सर्कुलेशन प्रोसेस सर्कुलेशन के थ्रू होता रहेगा। बिना ऑक्सीजन के आपकी लाइफ नहीं है जी, बराबर, करेक्ट। अब इस ये जो हो रहा है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए हो रहा है। सही, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम आपकी बॉडी का है। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया या अवरोध आ गया, रुकावट आ गई, तो आपका रेस्पिरेशन भी हैम्पर होगा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई मिलनी वो भी हैम्पर होगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जहाँ ऑक्सीजन कम पड़ गया आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सबसे पहले फील होगा जी, सांस फूलना, सांस लग जाना, ये सबसे पहले शुरू हुआ। सांस लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या दम लगना, इसे सीधा सीधा दमा या अस्थमा या श्वास रोग कहा जाता है। डॉक्टर साहब, जब हम दमा की बात करते हैं और अस्थमा की बात करते हैं, आपने जैसे कि बहुत अच्छी तरह से बताया, समझा के कि किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है, कई बार देखा गया कि कुछ पेशेंट्स को अटैक आ जाता है जिसको अस्थमा का अटैक कहते हैं, तो ये कैसे, मतलब क्यों आता है ये अटैक? देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स है जी, और एयरवेज है जिसमें ब्रोंकस और छोटी छोटी है जी, इन सारी चीजों में एयर बाहर से अंदर जाते समय देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन जी, कोई रुकावट नहीं होनी, फ्लो एक अच्छा होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए, जिसके लिए हम प्राणायाम वगैरह, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते हैं। जिनका ये फ्लो बहुत अच्छा है उनका स्टैमिना भी अच्छा रहता है, उनको सप्लाई अच्छा ऑक्सीजन का मिल जाता है जी। जिस समय यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन के दो मुख्य कारण है। सबसे पहले है जो ब्रोंकस है, जो ट्यूब है आपकी, जिसे हम वाइंड पाइप कहते हैं, उस पाइप का छोटा होना, नैरो होना, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकस, जिसको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है जी। दूसरी बात, उसमें म्यूकस यानी जो सफेद कलर का पदार्थ जमा हो जाना, जिसे हम म्यूकस सिक्रेशंस बोलते हैं जी, वो अंदर सिक्रेट हो जाने के कारण वो एक तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, दूसरा वो म्यूकस अंदर फंस जाना, और ब्रोंकस की जो इनर लाइनिंग है, वाइंड पाइप की जो इनर लाइनिंग है, उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाना जी, सूजन आ जाना, ये कारण होता है ऑब्स्ट्रक्शन का। ऑब्स्ट्रक्शन जैसे ही आ गया अटैक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एस्थमेटिक अटैक।
अब ये जिस आदमी को ऑलरेडी अस्थमा डायग्नोसिस हो चुका है या अस्थमा से वो सफर कर रहा है, उस आदमी को कंटिन्यूस अटैक में रहेगा ऐसा नहीं है। उसमें भी टाइप टाइप के लोग रहते हैं जिनको कंसिस्टेंट प्रॉब्लम में रहते हैं। कुछ लोगों को बीच बीच में अटैक आता है, कुछ लोगों को महीने दो महीने में आता है, कुछ लोगों को एटमोस्फेरिक चेंजेस में अचानक एलर्जिक, कुछ लोगों को ट्रिगर्स, उनको ट्रिगर्स करते हैं एलर्जिक कुछ पॉइंट्स हो गए। हम कॉजेस उसके देखेंगे जब हम पता चलेगा। इन कारणों से अचानक से उसके शरीर में ब्रोंको, उसके ब्रोंकस में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, म्यूकस सिक्रेशन हो जाना और एयर वे नैरो हो जाना, जिसके कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर तक ना पहुंच पाना, इस सिचुएशन को हम एस्थमेटिक अटैक कहते हैं। अब जैसे हम लोगों ने कारणों को जाना कि एस्थमेटिक अटैक इन इन का ये कारण, और भी कुछ है सोर्सेस और कोई कारण, जैसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपको रोगी मिलते, जैसे आपने कहा कि कब ये अटैक किसी को रेगुलराइज हो, किसी को हफ्ते में एक बार हो, किसी को महीने में एक बार, तो कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे? अच्छा, डायग्नोसिस एक उसका बहुत बड़ा पार्ट है जी। सबसे पहले मैंने आपको ये बता देता हूँ कि किस टाइप के लोग जी जी लोग, वो मैं वही मैं समझना चाहता हूँ, किन कारणों से होता है जी। देखिए, लंग डिसीजेस जो है उसके बहुत सारे कारण, एस्थमा एक उसका सीओपीडी के अंदर आना, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी और एयरवे डिसीज के अंदर आने वाला एक डिसऑर्डर जी। अब कुछ बच्चों को जैसे बचपन से बाढ़ कफ या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन कंसिस्टेंटली होता आया है, उन लोगों को बार 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 इन्फेक्शन होना, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होना, म्यूको सिक्रेशन होना, ब्रोंको इन्फ्लेमेशन होना, इन कारणों से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अस्थमा के पेशेंट बन जाते हैं जी। अनड्यू केयर से अस्थमा हो जाता है, जैसे कुछ अभी आजकल लोग कैसे बहुत सारे एसी में रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पोलन से उनका कॉन्टैक्ट ही नहीं आता, लिविंग हैबिट्स, हाँ एकदम क्लीन एंड फ्रेश क्रिस्टल क्लियर एयर में रहते हैं, जब वो बाहर के पोलन्स को या फिर डस्ट को एक्सपोज करते हैं तब जाके दे टेंड टू ग्रो एलर्जिक टू दोज पोलन्स और डस्ट पार्टिकल्स एंड देन टेंड टू ग्रो एस्थमेटिक, ये एक उसका कारण हो गया। उसके बाद कुछ लोगों को जेनेटिक और हेरिडिटरी होता है, उनके माँ बाप को है, उनके किसी रिलेटिव को है, तो वो और क्या कहते हैं उसको विरासत में हेरिडिटरी उनके यहाँ पे ट्रांसमिट होता है जी, जी। ये एक कारण हो गया। कुछ लोगों को ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम होता है, जैसे कोल माइंस में या डस्ट में या चूना भट्टी में, जहाँ डस्ट ज्यादा हो, केमिकल फैक्ट्रीज में वगैरह जहाँ पर होती है, ऐसी जगह पे जहाँ पे पोलन्स एलर्जेंस या फिर डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होते कंटिन्यूसली उसको इनहेल कर रहे जी, दे टेंड टू ग्रो एस्थमेटिक, क्योंकि उनके एयर वे के अंदर या फिर स्मोकर्स हो गए, या फिर वो पैसिव स्मोकर्स हो गए जिनके आसपास स्मोकिंग चलती रहती है, या फिर स्मोक फैक्ट्री में काम कर रहे, नहीं जहां पर एक अलग प्रकार की जो एक एटमॉस्फेयर जो है जिसमें एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन खासकर जैसे हम तो एयर पोल्यूशन फेस कर ही रहे जी, ऐसी कंडीशन में बार बार आपके नोस्ट्रिल्स के थ्रू, नोज के थ्रू आपके लंग्स में वो बार बार वो सारी चीजें, जैसे कहा कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो कभी रुक ही नहीं सकती, रुक ही नहीं सकती, ऐसी कंडीशन में दीस पीपल्स टेंड टू ग्रो एस्थमेटिक। ट्रिगर्स के इसमें भी और कुछ इमोशनल जैसे आपको इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, अचानक से रोना, कुछ टेंशन आ जाना, उसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, साइकोमेट्रिक लेवल भी इस पर कुछ ना कुछ असर करता है, अचानक से डिप्रेशन में जाना, ऐसी कंडीशंस में अचानक से ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और अगर उसको हिस्ट्री है या एस्थमेटिक पेशेंट है तो उस ट्रिगर में उसको अटैक आ सकता है। और जैसे एटमोस्फेरिक कंडीशन हो गई, जैसे जैसे बहुत सारे बादल जमा हो गए, बारिश हो रही है, तब एयर ब्लो नहीं होती और एयर में ये सब क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाता पड़ गया, तो अचानक से सांस फूल जाना ये कॉमन चीज है, तो एस्थमेटिक पेशेंट को इसकी तकलीफ अचानक से तब होती है, ये कारण होते हैं जी अस्थमा के, ये सारे कारण हो गए इस प्रकार से। अब कुछ रोगी ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को वीकली अटैक आते हैं, कुछ लोगों को रोज अटैक आते हैं, कुछ लोगों को मंथली अटैक आते हैं, तो उसकी किस लेवल पे वो डिसीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर वो कैसे मैनेज हो रहा है उसको ट्रीटमेंट, मतलब जैसा पेशेंट वैसा आपका डायग्नोस्टिक सिस्टम भी होगा। अब हम डायग्नोसिस की तरफ अगर हम जाते हैं जी, तो एस्थमेटिक पेशेंट को सबसे डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी हिस्ट्री होती है जी, कि उसको क्या हो रहा है, बाद में एग्जामिनेशन करते हैं डॉक्टर, करेक्ट, टेस्ट एग्जामिनेशन में पता चल जाता है, उसके बाद एक्सरेज होती है, इसके अलावा नेजल एक्सरे या फिर चेस्ट एक्सरे में भी पता चल जाता है, और फिर डायग्नोस्टिक टूल्स है जैसे स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में क्या होता है कि जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं पेशेंट को फूकने के लिए, का एक्सहेल करने के लिए उसमें बोला जाता जी, जी, जी। है, एंड देन दे काउंट कितनी है वो बाहर फेंक रहा है, तो पल्मोनरी लंग कैपेसिटी उनकी पता चल जाती है। उसके अलावा जो एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड है जो एयर, उससे भी डॉक्टर्स का डायग्नोसिस उसमें होता है। और कुछ चैलेंजर टेस्ट्स है कि उसको एज ए पोलन्स के साथ ऐसे
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर मेडिसिन के साथ एक्सपोज कर दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि उसकी लंग की कैपेसिटी कितनी। तो दीज आर दी टूल्स टू डायग्नोस एस्थमा और एस्थमेटिक जी डॉक्टर साहब, हमने देखा कि किस तरह से अस्थमा आपके ऊपर में असर करता है, फिर इसको आप डायग्नोस करते कैसे करते हैं, और फिर बात आती है कि इसके ऊपर में उपचारों की। और भारत का आधार स्तंभ रहा है आयुर्वेदा, और आप आयुर्वेद तज्ञ हैं, तो आयुर्वेदा में अस्थमा को आप कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, अस्थमा इज नेवर क्योर्ड, ये पूरी तरह ठीक नहीं होता, ये सत्य है जी, ये सबने माना हुआ सत्य, वो साथ में चलने वाला व्याधि है, कंटिन्यूस डिसीज है ये, जो आपके साथ ही रहेगा जी जी। आप है कि उसको कंट्रोल में रख सकते हो, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वैसे जो एलोपैथी है उसकी ट्रीटमेंट का सीधा प्रिंसिपल है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रहा है उसको ब्रोंकस को डायलेट करो, यानी रास्ता खोल, रास्ता खोल, उसमें जो म्यूकस है, इंफ्लेमेशन है, उसको सोख लो। तो एंटी इंफ्लेमेटरी एंड ब्रोंको डायरेक्टर्स, ये उनकी ट्रीटमेंट का मेजर प्रिंसिपल होता है जी। आयुर्वेदा हैज सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आयुर्वेदा क्या करता है, ऐसी मेडिसिन है जो ब्रोंको डायलेटेशन भी करेंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी रोकेगी, म्यूकस सिक्रीशन भी एक्स्ट्रा रोकेंगे, और एलर्जेंस है जिसके कारण अचानक से पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है, उसकी लंग्स अचानक से रिस्पॉन्ड करती है और फटाफट से म्यूकस सिक्रीशन उसके ब्रोंकस में आ जाने के कारण उस पर एस्थमेटिक अटैक आने के चांसेस होते हैं। इसको डिले करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा के, आपकी लंग्स की स्पेसेस को बढ़ा के, मोस्ट ऑफ द लंग्स आप यूज कर सके, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ सके, इसके लिए आयुर्वेदा मेडिसिन देता है। और जो कफ दोष है, जिसके म्यूकस सिक्रेशन का जो टेंडेंसी है बॉडी को, धीरे धीरे कम कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि जहां आप एलोपैथी से अगर कंपेयर करें, एलोपैथी अस्थमेटिक पेशेंट पर जहां किसी एक जगह पर इंपैक्ट करती है, तो आयुर्वेदा का जो मेडिसिन है वो एक सभी तरह एक वाइटल इंपैक्ट उसके ऊपर में करती है, ताकि एक लंबा जो है रिलीफ जो है पेशेंट्स को मिल सके। डॉक्टर साहब, एक चीज हमेशा कही जाती है कि बीमारी हो इससे अच्छा है कि हम बीमार ही ना पड़े, मतलब प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो क्या प्रिकॉशंस हम ने लेने चाहिए कि बीमारी ना हो या उससे टाला जा सके? अस्थमा डेवलप होने के हमने कारण देखे जी, जी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हो गया, करेक्ट, एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो गया, ट्रू, इमोशनल इन्फ्लुएंसेस हो गया, यस, जैसे अनड्यू हाइजीन वाला जो हमने देखा जी, उसके बाद क्रॉनिक इन्फेक्शन बचपन से जो हो रहे हैं, हेरिडिटरी फैक्टर से आप ज़्यादा बच नहीं सकते, फिर भी अगर हेरिडिटरी है तो उस आदमी को, उस पर्टिकुलर पेशेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें आगे जाके अस्थमा ना डेवलप, इसलिए इन सारे फैक्टर से बचो, बार बार इन्फेक्शन होने से बचो, और प्रिवेंटिव तौर पे हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना है, साफ एयर में रहना है, बहुत अनड्यू केयर नहीं करना है, उसके अलावा आपकी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाना है, इमोशनल इन्फ्लुएंसेस से ज़्यादा बचना है, डिप्रेशन से आपको बचना, डिप्रेशन से बचना है, पोलन से, डस्ट से अपने आप को बचाना है, स्मोकिंग जैसी हैबिट्स है जी, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप ऑलरेडी हेरिडिटरी अगर आपके पास हिस्ट्री है, या फिर आप क्रॉनिक इन्फेक्शन बचपन में आपको बाढ़ वगैरह रह चुका है जी, यानी आप रिस्क में हैं, यानी आप खतरे में, खतरे हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमने शुरुआत की थी और आज जो है पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मौत के आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनमें कोमॉर्बिडिटी जो थी वो थी, और इसमें अस्थमा जो है इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखा गया है, तो कैसे सर, क्या आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? देखिए, अस्थमा जिस भी पेशेंट को है जी, उसको तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको हमेशा ही कंट्रोल में रखना आवश्यक, चाहे कोरोना हो ना हो जी। लेकिन अभी जैसे हम जूझ रहे कोरोना से, कोरोना अटैक करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जी, अस्थमा भी उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर। अब एस्थमेटिक पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी ऑक्सीजन पे होते हैं, उसको मेंटेन करके ही हमेशा चलना होता है। अब वो किस लेवल का एस्थमा है उसको, या फिर किस डिग्री का प्रॉब्लम है, किस डिग्री की मॉर्बिडिटी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उस आदमी को अगर अचानक से कोविड का इन्फेक्शन हो जाए जी, तो फिर वो कोमॉर्बिडिटी के साथ काउंट किया जाता है, और उस पेशेंट को खास ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो पेशेंट सफ़र हो सकता है। इसीलिए जिन लोगों को एस्थमा है उन लोगों के लिए एक ही ये है कि वो प्रिवेंशन ही, वैसे भी नॉन एस्थमेटिक पेशेंट के लिए भी वही फॉर्मूला है, प्रिवेंशन ही करना है फिर कोविड के अगेंस्ट। लेकिन अगर आपको अस्थमा है तो आपको बहुत, थोड़ा बहुत, एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत है। आपने सर कहा कि जो अस्थमा जो होता है इसके लिए क्या 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 मतलब उसके तरीके, मतलब किस तरह का लाइफ स्टाइल है, तो क्या लाइफ स्टाइल चेंज करने से, या लाइफ स्टाइल कैसी हो, एक आइडियल लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए ताकि हम अस्थमा को रोक सकें? अस्थमा के कॉजेस को अगर वापस देख लिया जाए तो अपने को डस्ट पार्टिकल्स, पोलन्स जी, या फिर अनड्यू केयर, क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके ऑक्यूपेशन में अगर कोई डस्ट है जी, स्मोकर्स है, इन सब, इन सारी कॉजेस, कॉजेटिव फैक्टर्स से बचना है।
तो आपका अगर लाइफस्टाइल वैसा है तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एयर में ना रहे, डस्ट बहुत ज़्यादा जहाँ पोल्यूशन हो वहाँ ना जाए, अगर जाते तो आपको मास्क पहन के जाना चाहिए, पोल्यूशन प्रिवेंटिव मास्क आता है। इन सब चीज़ों के अलावा आपको एक्सरसाइज करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है। अगर आप करते हो योगा की कुछ शुद्धि क्रिया है जैसे जल नीति है या सूत्र नीति है, उन सब का भी आपको पालन करना चाहिए, जिससे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको अस्थमा नहीं होगा। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक रसायन मेडिसिन आती है जी, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर देती है कि कोई भी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का इजीली आपको नहीं होता है। और अस्थमा जैसी डिसऑर्डर्स, वो तो अस्थमा एक दिन में नहीं होता, वो तो पीरियड ऑफ टाइम आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम हैम्पर होती है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप अगर प्रिवेंटिव रसायन अगर आयुर्वेदा के लेते तो कोई भी छोटा छोटा इन्फेक्शन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं होगा, अस्थमा तो हम बहुत दूर ही रख रख पाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक सवाल है अस्थमा को लेकर। अस्थमा के लिए कोई एज की सीमा होती है या वो छोटे बच्चे से लेकर तो बूढ़े तक किसी को भी? आप देखिए, उठा के देख लीजिए पूरे पेशेंट्स, अस्थमा स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द अगर अर्ली एज टू द लास्ट ऑफ द लाइफ, किसी भी एज ग्रुप में पेशेंट्स पाए जा सकते हैं। तो एडल्ट अस्थमा भी एक टाइप है उसका, यानी बाद में कुछ एज के बाद होना, अक्वायर्ड जिसको बोल सकते हैं, और कुछ लोगों को जेनेटिक होने के कारण शुरू से हो सकते हैं, बच्चों को भी अस्थमा पाया जाता है। मतलब एक समय ऐसा, मतलब आपको अस्थमा आपके आयु के किस वर्ग में हो ये इसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। सारे क्लासेस उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जी। और आज के इस दौर में तो अस्थमा ना हो या अस्थमा से आज कोरोना के टाइम में अस्थमा यू कांट अफोर्ड। जी जी बिल्कुल, अफोर्ड नहीं कर सकते सर। चलते चलते आप इस कोरोना के पार्श्व में और अस्थमा से बचने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस एक सिंपल सा संदेश है जो पिछली बार भी मैंने दिया था कि जी, कोरोना से आपको बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कंप्लीट मास्क यूज करना है। आप घर से बाहर निकलते हो मास्क का यूज कीजिए। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि दे आर नॉट यूजिंग द मास्क, दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेसेंट अबाउट कोरोना। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि 25,000 डेथ हो चुकी है इंडिया में और केसेस 10 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। नागपुर में भी ट्रिगर है, 2,500 केसेस के आसपास हम पहुंच चुके हैं जी बिल्कुल। और रोज केसेस बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब हम लोग बहुत कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं। आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए और आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। शुद्धि क्रिया है, जल नीति सूत्र नीति जैसी क्रिया आपको करनी चाहिए। आपको कुछ आयुर्वेदिक प्रिवेंटिव रसायन लेने चाहिए जो अप्रूव्ड बाय आयुष है, जो जिसका हम इम्यूनिटी इस टॉपिक में हमने पिछली बार डिस्कस किए थे, जिसमें हमने च्यवनप्राश, आयुष काढ़ा, ये सारी चीजों का डिस्कशन किया था जी। और खासकर प्राण व स्रोतस की रसायन, रेस्पिरेटरी सिस्टम की रसायन, जैसे पिंपली वगैरह हो गया, दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, जो आपको आपके घर में मिल जाएगी, या वो घर के घर में आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और आप कोविड से दूर रहोगे। एस्थमेटिक पेशेंट को तो कोविड से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और इसीलिए सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आप को फिट रखना चाहिए। देखिए, मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि जब हमें बीमारी होती है तो उस पर जो मेडिसिन लेनी होती है वो कड़वी होती है। हमारी बातें भी, डॉक्टर साहब की बातें भी आपको शायद कड़वी लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। अस्थमा कहिए या कोई भी बीमारी कहिए, ये कोई आसान नहीं होती। और आज के दौर में जहाँ पर हम कोरोना से ग्रसित है, तो हमारे लिए एक प्रिकॉशन ही बहुत बड़ा उपाय साबित हो सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन आपने बात की हमारे दर्शकों के साथ।